हेलो एवरीवन, अब तक हमने प्रेजेंट के सारे ही टेंसेस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत अच्छे से विद रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड विद इंडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हमने सीख लिए हैं। तो आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंसेस, हम ये टेंसेस सीखेंगे। Come on, let's have a look at these sentences. First sentence is, India got freedom in 1947. तो आपको ये बात पता चले, 1947 जो है पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात है। तो डेफिनेटली इट इज़ द टेंस विच इंडिकेट्स द पास्ट टाइम, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड सेंटेंस इज़ ही केम हियर यस्टरडे। सेंटेंस को देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट टाइम का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे इज़ मेंशनड ओवर हियर, कल की बात है। आई पास्ड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, पुरानी बात है। तो इट मस्ट डेफिनेटली बी रिलेटेड टू पास्ट टेंस। तो आई पास्ड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं किया, पहले ही किया है मैंने। तो ये सिंपल पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। शी रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे। तो उसने तुम्हारा मैसेज जो है वो यस्टरडे, कल रिसीव किया था, उसे तुम्हारा मैसेज जो था कल मिला था। तो ये सब पुरानी बातों को मेंशन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। नाउ डिड यू नोटिस वन थिंग, आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं। ये सब तो हमें पता चला इन वर्ड्स की वजह से जो मेंशन कर रहे हैं पास्ट टाइम को, लेकिन इन सारे ही सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं वो भी हमें पास्ट टाइम का इंडिकेशन दे रही हैं। यहाँ पर हमने इंडिया गेट फ्रीडम ना बोलकर इंडिया गॉट फ्रीडम बोला है। सेकंड सेंटेंस में ही कम हियर या ही कम्स हियर नहीं है, उसकी जगह पे हमने यूज़ किया है ही केम हियर। मींस केम हमको बताना चाहता है कि ये पुरानी बात है। आई विल पास नहीं है, यहाँ पर है आई पास्ड। तो ये वर्ब भी हमको बताना चाह रही है कि ये पास्ट की इंसिडेंट है। नाउ नेक्स्ट इज़ शी रिसीव्ड। तो यहाँ पर रिसीव या रिसीव्स ना आकर रिसीव्ड आया है, जो हमें इसके पास्ट में पूरा होने की इंडिकेशन दे रही है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी इंडिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो लेट्स टेक इंडिकेशन या पहचान, हिंदी में इंडिकेशन को क्या बोलते हैं, पहचान। तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिस सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इंग्लिश में हमको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और वो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे, उसके साथ दिए हुए रेफरेंस ऑफ टाइम को देखकर। रेफरेंस ऑफ टाइम 1947 पुरानी बात है, इसका मतलब वो सिंपल पास्ट है। यस्टरडे कल की बात है, पुरानी बात है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश में हमें पहचानना है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हम कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस जो है हमेशा उसमें वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब नहीं आएगी, हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सीधे ही सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही रोट अ लेटर, ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे क्या आया, रोट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सलमान किल्ड अ लायन। तो किल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ किल है, यहाँ पर किल हमने डायरेक्ट किल या किल्स नहीं लिखा है, विल किल नहीं लिखा है, किल्ड अ लायन। तो हमें पता चल गया ये पास्ट इवेंट है, पुरानी बात है। नाउ शी मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर भी मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हमने यहाँ यूज़ की, और इसके साथ यहाँ पर एक वर्ड यस्टरडे आया है। तो यस्टरडे अगर कोई टाइम शोइंग पास्ट टाइम शोइंग वर्ड्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए और इजी हो जाता है कि हमें पता है कि ये पुरानी बात है, यस्टरडे पुरानी बात है। और दूसरी पहचान क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ये सबसे बड़ी पहचान है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।
अगर हिंदी में हमको कोई सेंटेंस दे रखा है और हमें पहचानना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उस सेंटेंस के वर्ब में ता था, ती थी, ते थे जैसे वर्ड्स आएंगे, या फिर गया, वो आगरा गया, वो ताजमहल देखने गया, वो इटली गया, उसने खाना खाया, मतलब वर्ब्स के लास्ट में या, यी, ये, आ, ई, ए, इस तरह के अक्षर आएंगे, लेटर्स आएंगे, जैसे ता था ती थी ते थे, या फिर या, यी, ये, आ, ई, ए, जैसे वर्ड्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, उसने नंबर वन, उसने खाना खाया. यहाँ पर आप देख सकते हो खाया, तो जो वर्ब है वर्ब के लास्ट में क्या आया? या. मतलब इसे देखकर आपको पता चल रहा है ये पास्ट की पुरानी बात है. उसने खाना खाया, वह आगरा गया, वह घूमने गया, उसने अपना काम पूरा किया. तो या, यी, ये, आ, ई, ए, या फिर ता था, ती थी, ते थे जैसे वह घूमने जाता था, वह पढ़ता था, वह पतंग उड़ाता था, इस तरह के जो अक्षर हैं वो वर्ब के लास्ट में, एक्शन या काम के लास्ट में आपको मिलेंगे. तो आपको पहचान लेना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. नाउ आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सिंपल पास्ट टेंस इजिली. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज type of sentences, means the sentences which are related to simple past or past indefinite tense, उनको हम कैसे बनाते हैं, उनके हम rules सीखेंगे. तो rules में आपको पता है कि हमें चार तरह के यहाँ पर sentences, कोई भी sentences, दुनिया के जितने भी sentences हैं वो केवल चार ही तरह के होते हैं. affirmative, कोई काम अगर होता है, हाँ होता है, हाँ उसने ये काम किया, तो वो अफर्मेटिव है. नहीं होता है तो वो नेगेटिव है. और हम पूछते हैं किसी से, क्वेश्चन करते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. हम शुरू से यही सीखते आ रहे हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है इन सिंपल पास्ट, वो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे आपने देखा ना, ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट के पास सीधे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत ही सिंपल. सबसे सिंपल फॉर्मूला जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है. अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होगा? अभी तक हमने सीखा है कि जितने भी सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव में, उनकी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. लेकिन जैसे ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें कुछ की वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जो नॉट के साथ या क्वेश्चन को शो करने के लिए वो वर्ड्स आते हैं. तो ये अभी तक हम सीखते आए हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने सिंपल जो सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाया था, सिंपल ऐसे ही किया था. और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाया था अफर्मेटिव में. लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ की वर्ड्स होते हैं. तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करने का जो की वर्ड है वो है डिड. तो नॉट के साथ क्या वर्ड आएगा? डिड. तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. और वो सिंगुलर्स, प्लूरल्स, आई, वी, यू सब के साथ डिड ही आएगा. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अभी तक हमने सीखा है कि जब कीवर्ड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है, केवल परफेक्ट टेंस को छोड़कर. तो या इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे सलमान किल्ड अ लायन, ये तो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया. लेकिन अगर इसी को हमें नेगेटिव में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? सलमान
did not kill, killed का क्या हो गया kill, क्योंकि उसकी जगह पर हमने negative sentence बनाने के लिए did लगा दिया. तो सलमान did not kill a lion. Now this is negative sentence of past indefinite.